प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम टेली मसाला। जोर से बोलो, जय माता दी। सारे बोलो, जय माता दी। आयुष्मान भारती की बातें क्यों की है जी? जी आज क्या कहेंगे, मतलब आप लोग क्या? यार देखिए, पहली बात तो हर्ष और भारती की शादी दोनों की जोड़ी एक साथ रहना इतने सालों से, हमारे इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत लड़की की शादी होने वाली है। अरे और वो भी माता रानी की चौकी। Exactly. और यू नो वो नाच गाना, वो पंजाबी फील और वो छोले भटूरे और ये सब, तो आई थिंक छोले भटूरे के लिए आए। हाँ दरअसल, हाँ बस मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हम लोग आज माता रानी की चौकी पे आए और माता भगवान भारती मतलब इतनी स्वीट है, खुद की शादी है, प्यारी है यार। फंक्शन चल रहे हैं, 100 काम होते हैं, उसमें से बीच बीच में वॉइस नोट भेजते रहना, आ रहे हो ना तुम लोग कैसे नहीं आते। मतलब और भारती मतलब मैं बहन मानता हूँ उसे, मेरे दिल के बहुत करीब है, तो आई थिंक ये उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौका है और मैं जेन्युइनली अपने पूरे तहे दिल से चाहता हूँ कि माता रानी उसे और हर्ष को इतना आशीर्वाद दे कि वो अपनी अपनी ज़िंदगी के आने वाले 7 जन्म इससे ज़्यादा खुश रहे। और हाँ, कितना एंटरटेन हो रहा है एंटरटेनमेंट। अरे मैं कहाँ, मैं मिस ही नहीं हुआ। मैं आप कितना खाना बनाना सीखे हैं मम्मी रसोई में, मम्मियों के साथ बट मैं आप लोग शो पे मुझे मिस कर ही नहीं रहोगे वैसे, ऐसा भी क्योंकि हर एक्ट में मेरी बात तो हो ही जाती है कहीं ना कहीं कि कहीं ना कुछ, और एक नहीं है ना, दो कमीने हैं ना मतलब मेरी जिंदगी, और अब तो तीन कमीने आ गए और ऐसा मतलब पिछले एपिसोड में तो चार थे, तो एक अकेला मैं ही था उस परिवार में से जो नहीं था वहाँ पर, बट अच्छा है। आई एम सो हैप्पी एंड आई एम रियली आई एम हैप्पी फॉर हर इज बिकॉज ये रवि के साथ इसकी जोड़ी है और आई थिंक उसके साथ सिर्फ सीख ही सकती है और सिर्फ आगे ही बढ़ सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो जो इसे मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आशा को जेन्युइनली नहीं आती और मैं जानता हूँ वो नहीं आती और रवि से बेहतर उसको कोई नहीं सिखा सकता, क्योंकि मैं इसकी बात तो सुनती नहीं हूं। मेरी बात तो नहीं सुनती है और रवि की बात बहुत ज्यादा सुनती है, इनफैक्ट रवि की बात हम सब सुनते हैं, वो हमारे ग्रुप का पापा है, ये भी सुनता है। मैं भी सुनता हूँ, मैं डेफिनेटली मैं मानता हूँ वो हमारे पापा हैं, वो जेन्युइनली हमारे पापा है, वो पिताजी सबका ख्याल रखते हैं, तो उन पिताजी ने हमारी इस प्यारी बच्ची का भी ख्याल रखा हुआ है। अच्छा, लास्टली मच नीडेड वेकेशन था, लेकिन कैसा था कैसा था एक्सपीरियंस बच्ची? बहुत अच्छा था, मेरे तो वापस आने का ही मन नहीं हो रहा था। अयो बस आप सुन लिया, बस इसका मन नहीं कर रहा था वापस, मतलब हमारे वेकेशन वाज आउटस्टैंडिंग। सो चलिए अब चलते हैं, थैंक यू वेरी मच माता दी। सारे जोर से बोलो, जय माता दी। सारे बोलो, जय माता दी। जोर से बोलो, जय माता दी। सारे बोलो, जय माता दी।